हाय हेलो, मैं जरनैल सिंह रंधावा, रियल लाइफ जर्नी तू। आज हम बनाएंगे मूली की चटनी। मूली की चटनी हाजमे के लिए बहुत दुरुस्त है, लीवर के लिए भी फ़ायदा। इसकी स्मेल ज़रूर आती है मगर खाने में टेस्टी बहुत होती है। हम पत्ते जो साफ साफ तोड़ देंगे और जो पक्के हैं उसे अलग कर देंगे, कच्चे कच्चे काट ये एक तरफ रख लेंगे। पत्ते भी आ जाते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक मूली, एक टमाटर, मर्च आप अपने जिस हिसाब से तेज़ खाते हो तेज़ डाल लेना, कम, और धनिया। पहले हम इसको काट लेंगे मूली के पत्तों को थोड़ा, फिर ग्राइंडर में थोड़े अच्छे मिक्स हो जाते हैं। धनिया हमने धो के साफ कर लिया, बारीक बारीक धनिया काट लेंगे। मूली को हम छील लेंगे, धो के रख ली थी। आपके जिस हिसाब से मेंबर ज़्यादा हैं तो दो मूली ले रहे हैं, दो से तीन मूली। जो मेंबर एक है तो फिर एक मूली से भी चलेगा, एक दो बंदे की बन जाती है। मूली के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, फिर तो ग्राइंडर में थोड़ा मिक्स हो जाती है अच्छी। टमाटर को भी हम काट लेंगे, छोटे छोटे पीस होने से ग्राइंडिंग अच्छी हो जाती है। आप इसमें लहसुन की कलियां डालनी चाहते हो वो भी डाल सकते हो, कि स्मेल की वजह से नहीं डालते। अदा आप नींबू भी इसमें डाल सकते हो खट्टापन के लिए। सारे डाल दिए, मूली, प्याज, प्याज को सॉरी टमाटर, धनिया। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये अपनी चटनी बन के तैयार होगी। अपने चटनी ज़्यादा बारीक नहीं करनी, थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है। देखो ऐसे बिल्कुल ज़्यादा कर दोगे फिर वो बिल्कुल बारीक हो जाते, टेस्ट नहीं उसका रहता। ये हम किसी बाउल में डाल लूँ, एक बार बना के खाओ जरूर, इसके फायदे बहुत हैं, लीवर के लिए, हाजमा दुरुस्त। ये अपनी चटनी बन के तैयार होगी मूली की। मेरी वीडियो बढ़िया और अच्छी लगे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल।